अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपको बीफ कढ़ाई बनाने का तरीका सिखाऊंगी। चले जी, अब हम अपनी फ्लेम को ऑन करते हैं ताकि हम अपने काम को स्टार्ट कर सकें। फ्लेम को ऑन कर दिया है और अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। ये हमारे काम का पहला स्टेप है। उसके बाद हम इसमें अपने ऑनियन को डालेंगे और ऑनियन को हल्का सा ब्राउन करेंगे, हल्का सा लाइट सा इसको शेड देना ब्राउन करने का। ये ऑनियन को हमने इसमें ऑयल में डाल दिया है और अब जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन होता है तब मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। प्याज ब्राउन हो रहे हैं तो अब इसमें मैं लहसुन को शामिल करूँगी। लहसुन इसमें मैं 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। लहसुन को अभी इसके साथ ही हमने ब्राउन करना है। जब तक प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तब तक थोड़ा सा लहसुन भी इसके साथ ही ब्राउन हो जाएगा। अब इसको थोड़ा दोनों को मिक्स कर दिया, लहसुन और प्याज को, और अब इनको मैं तड़का, ये तड़का ही जिसको कह सकते हैं, इनको ब्राउन कर रही हूँ। अब इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये 3 से 4 टमाटर हैं जिनको मैं शामिल कर रही हूँ इसके साथ। देखें हमारा मसाला जो ना भून के अच्छी तरह तैयार हो चुका है, ऑयल इसके ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी बीफ जो कि मैंने इस तरह छोटी बोटी में बना के तैयार कर चुकी हूँ। ये देखिए आप, इसको मैंने तैयार किया है, छोटी छोटी बोटी बना चुकी हूँ मैं इसको। तो अब इसको मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। ये देखिए अब इसको इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर इसी तरह हम इसको हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे और जब तक इसको थोड़ा सा और इसके साथ गोश्त के साथ मिलके ना इसकी भुनाई करेंगे। बच्चे मेरे पास खड़े हैं और इनके मुंह में पानी आ रहा है। बहुत इनको जल्दी है कि जल्दी से पके और हम इसको नान या रोटी के साथ खाएं। अच्छा, बाकी मेरे पास बच गया अदरक, गरम मसाला, ये सब काली मिर्च और ये सब मिर्च है, इनको मैं आखिर में शामिल करूंगी। काली मिर्च की भी लज्जत आखिर में डाले तो महसूस होती है, अदरक की भी और सब्ज मिर्च जो पकने से थोड़ी देर पहले मैं डालूंगी ताकि ये खूबसूरत सी ग्रीन ग्रीन सी नजर आती रहे। अच्छा, अब ये मेरा मसाला अच्छी तरह भून रहा है और ये बहुत अच्छी इसके अंदर से खुशबू भी आने लग रही है। और अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करूंगी, पानी शामिल करके फिर इसको पकने के लिए रख दूंगी। और पहले इसको हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे, जब इसमें उबाले आने लग जाएंगे और बॉयल होना शुरू हो जाएगा फिर इसको हल्की आंच पे कर देंगे। और मीडियम फ्लेम रखनी है, ज़्यादा हल्की भी नहीं रखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैंने ये आधा जग पानी का शामिल कर दिया, तकरीबन 3-4 गिलास, क्योंकि ये बीट का गोश्त है इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तब पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। अच्छा, अब इसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है, ये जब तक इसको हाई फ्लेम पे भी मैंने रखा है तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी फ्लेम हाई है और जब ये इसमें बॉयल होना शुरू हो जाएगा, उबाल आने शुरू हो जाएंगे तो फिर इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूंगी और फिर तकरीबन 1 घंटे में ये पकते। ये देखिए अब मैंने आग को बंद कर दिया है और इंशाल्लाह ये इसका जो ऑयल है बिल्कुल परफेक्टली इसके ऊपर आ जाएगा। मैं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे रही हूँ ताकि ये जो ऑयल है हमारा अच्छे से ऊपर आ जाए और हमें बहुत खूबसूरत सी ये कढ़ाई नज़र आए। कढ़ाई बन के तैयार होगी और इसको मैंने सर्विंग डिश में निकाल दिया है। अब मैं आपको निकाल के प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये बन चुकी है। अब आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।